के मऊ अंतर्गत आदर्श रामलीला समिति साहूपुर हल्धरपुर में संपन्न हुआ राज्याभिषेक का कार्यक्रम। अपने माता पिता का वचन मानकर 14 वर्षों तक वन में रहने वाले रघुकुल कुमार श्री राम का गुरु वशिष्ठ सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने राज्याभिषेक किया। इस दौरान राजदरबार सजा था और अयोध्या राज्य का संचालन करने वाले सभी मंत्री और राज्य संचालन से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे। हर चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और आखिर हो भी क्यों ना, 14 साल बाद अयोध्या के राजा राम को अयोध्या का राजपाट मिलने जा रहा था, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद वह पल भी आया जब अपने माता पिता का वचन मानकर 14 वर्षों तक वन में रहने वाले रघुकुल कुमार श्री राम का गुरु वशिष्ठ सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने राज्याभिषेक किया। शारदीय नवरात्र और दशहरे के मौके पर बीते पखवारे भर से चल रहे इस धार्मिक आयोजन के अंतर्गत रामलीला के मनोहारी प्रसंगों की अंतिम कड़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजगद्दी दी गई। परंपरागत रूप से आयोजित इस आयोजन में हजारों की संख्या में अयोध्या के नागरिक और संत महंत शामिल हुए। देर रात सब चले राजगद्दी के इस कार्यक्रम में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री राम को अयोध्या का राजपाट सौंपा गया। इस मौके पर जनकनंदिनी सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भक्त हनुमान के साथ तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सहित सभी अयोध्यावासी इस मांगलिक पल के साक्षी बनने के लिए कार्यक्रम में मौजूद थे। और गुरु वशिष्ठ ने परंपरागत रूप से महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र भगवान श्री राम को अयोध्या का राजपाट सौंपा। जैसे ही भगवान राम गद्दी पर सवार हुए, वैसे ही चारों तरफ भगवान राम की जय जयकार होने लगी। मऊ से अंजनी राय की रिपोर्ट। के द्वारा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, इसके बाद हमारे इस रामलीला के संरक्षक अभिराज सिंह जी आप चलिए और भगवान को तिलक लगाइए। आप लोग बारी बारी से हमारे जो विशिष्ट लोग हैं वो भगवान को तिलक लगाएंगे और उनके यश को प्राप्त करेंगे। हाँ, मास्टर साहब दोनों लोग यहाँ आए। चलिए 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 चले आइए।